ये सेवा दी है। तो जैसे आपने बोला, बहुत ही अच्छा आपने बोला कि जो इंट्रोडक्शन है, वैसे तो हम सबके पास अब गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी के थ्रू, हम सबके पास एक इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है कि हम लोग गुरु जी की संगत के फैमिली मेंबर्स हैं। इससे बड़ा इंट्रोडक्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। पर मैं थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा ब्लेस्ड समझती हूँ, बिकॉज ऑफ कि आई एम द डॉटर इन लॉ ऑफ अ ग्रेट, ऑफ अ एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ गुरु जी, हमारे रमा बहल आंटी। हम लोग घर में भी बड़ा मजा करते थे। मैं उनको, मैंने शुरू से आंटी ही बुलाना शुरू किया था, बिकॉज मेरी शादी 2 दिन में ही हो गई थी सडनली। तो एकदम से उनको मम्मा बुलाना, अभी इतना हैबिचुअल नहीं मैं थी। तो मम्मी से मैंने बात करी कि मैं आपको आंटी बुलाऊं, एंड शी टोल्ड मी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे होल लाइफ आंटी ही बुलाओ। शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन। शी वॉज नॉट ओनली माई मदर इन लॉ, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड ऑलवेज अभी भी वो हमारे साथ में, हमें जैसे हमें गुरुजी महसूस होते हैं कि हमारे साथ में ही है पल पल। तो मम्मी भी हमारे साथ में ही है, हमें अपने घर में हमेशा वो फील होते हैं। जब भी मैं बहुत ज्यादा सैड रहती हूँ या मुझे बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि उनकी सपोर्ट की जरूरत है, तो हमेशा वो मुझे अपने घर में फील होते हैं, मुझे अपने मेरे ड्रीम में आके मुझसे मिलके चले जाते हैं। तो शी वॉज अ रियली, शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन। और गुरुजी की तो वो बहुत ज्यादा डिवोटी थी। सम पीपल ऑल्सो कॉल्ड हर गुरुजीज मीरा, जो लोग आते थे संगत के हमारे घर में। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत ही ब्लेस्ड इंट्रोडक्शन है कि मुझे उनके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए मिला। संगत जी, गुरुजी की संगत में आना कि गुरुजी ने हमें अपनाया है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है मुझे लगता है आज संसार में। ये सबसे बड़ी हमारे हमारा हमारी फैमिली, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे, सब हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही ये है कि हम गुरुजी की संगत में हैं। गुरु की जी की संगत में हर कोई आ नहीं सकता, और आने के बाद भी गुरुजी उसको अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, वो संगत में टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है। ये भी बड़े भाग्य की, बड़ी ही किस्मत की बात है कि हम लोग इतने टाइम से, हम लोग गुरुजी ने हमें अपने फैमिली मेंबर बनाया हुआ है, हम उनके उनकी ब्लेसिंग्स हम डे बाय डे ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा शुक्राना तो हमारे गुरुजी का है कि उन्होंने हमें अपना अपनाया है, अपने शरण में लिया है। संगत जी, मेरी भी जर्नी बहुत ही ब्लिसफुल, बड़ी प्यारी रही गुरुजी के साथ में, अभी भी चल रही है। हर दूसरे दिन गुरुजी कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देते हैं। जब भी बहुत ज्यादा मैं परेशान होती हूँ, तो मैं, वैसे भी मुझे स्टार्टिंग से ही हैबिट है गुरुजी से बातें करने की, तो जब भी मैं उनसे बैठ के यहाँ पे बात करती हूँ, तो गुरुजी मुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर दे देते हैं। संगत जी, आई गॉट मैरिड इन 2007। बेसिकली आई बिलोंग टू दिल्ली एंड आई वॉज इन टीचिंग लाइन देयर। यहाँ पर वैसे मेरा बर्थ लुधियाना का ही है, बट गुरुजी से मैं वहीं पे ही मिली थी। एट दैट टाइम आई वॉज इन दिल्ली। गुरुजी से मिलने के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ हमेशा सबीना कोचर आंटी का। वैसे मैं उनको दीदी ही बुलाती थी शुरू से, उनके बच्चे गौरी और सिद्धार्थ मेरे से बड़े हुए हैं। संगत जी, एट दैट टाइम आई वॉज इन टीचिंग लाइन, तो सबीना दीदी के बच्चों को मैं जाती थी पढ़ाने। तो वो मुझे, उन्होंने एक दो बार बोला कि हमारे गुरुजी हैं, तो सुनैना मैम आप चलो हमारे साथ में वहां पे उनके मत्था टेकने। तो संगत जी, लेकिन मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं था ये साधु संतों में, गुरु जी मतलब किसी भी गुरु में। तो मैं हमेशा उनको ऐसे ही उनकी बात को इग्नोर कर देती थी, कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा के कि ठीक है नेक्स्ट टाइम चलूंगी, नेक्स्ट टाइम चलूंगी। तो
ऐसे 2-3 बारी उन्होंने मुझे बोला। एक बारी गुरुजी उनके घर पर भी आने वाले थे, तब भी उन्होंने मुझे बोला कि सुनैना मैम आज गुरुजी ने हमारे घर पर आना है तो आप भी आना। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं था इन सब में। तो लेकिन ऐसे ही एक दिन फिर सबीना दी ने बोला कि गौरी ने बोला कि सुनैना मैम आज ना आपने हमारे साथ गुरुजी के मंदिर चलना है, और ना आप ना कोई आज बहाना नहीं आपका चलेगा, आज आपने जाना ही जाना है। तो सबीना दी भी कहने लगे कि सुनैना मैम चलो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बार बार हम आपको कहते हैं, इट मीन्स कि हमारे गुरुजी ना आपका कुछ ना कुछ भला करना चाहते हैं, तो इसीलिए बार बार ही आपको ऐसे बुलाने के लिए हो रहा है, हम बार बार ही बोल रहे हैं आपको। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा। तो श्री डॉलमी की ऐसे ऐसे बहुत दूर है, ट्रांस जमुना से एम्पायर स्टेट बहुत दूर पड़ता था, तब बड़ा मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो मैंने कहा अच्छा इतना टाइम लग जाएगा, रात को तो मेरे तो पापा अलाउ नहीं करेंगे। तो सबीना दी कहते कि कोई बात नहीं मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो उन्होंने मेरे पापा से फोन पे बात करी, तो पापा ने बोला अच्छा ठीक है चले जाओ। तो संगत जी हम लोग जा रहे थे, वी वर ऑन द वे, तो सबीना दी ने बोला कि सुनैना मैं वहां पर जाकर ना कुछ भी आपने मांगना नहीं है गुरुजी से, हमारे गुरुजी मना करते हैं कि कुछ भी मांगना नहीं मेरे से, कि आप लोग मुझे ज्यादा देना होता है आप लोग कम मांग के चले जाते हो, तो वहां से कुछ नहीं मांगना, उनको सब पता होता है कि किसको क्या चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है वैसे ऐसा कुछ नीड है भी नहीं मांगने की, तो ठीक है मैं नहीं बोलूंगी कुछ वहां पे। तो हम लोग चले गए, तो मन में तो ऐसे ही था संगत जी की जैसे लाइक साधु महात्मा होते हैं कि उनका एक आई वॉज थिंकिंग कि वो सैफरन क्लोथ्स पहने होंगे और आके बैठेंगे फिर प्रीच करेंगे ये वो। तो बट सीन है टोटली चेंज। वहां पर जब मैं गई वहां का ओरा, संगत जी मैं आज तक उसको कभी भी उस फीलिंग को कभी नहीं भूल पाई कि जैसे ही मैंने एम्पायर स्टेट टेम्पल के अंदर एंटर किया, वहां पर इतनी पॉजिटिव वाइब्स, वहां का इतना प्योर ओरा, ऐसे आके एकदम से जैसे सोल को लग गया, और ऐसा लगा कि मैंने सच्ची में किसी हेवन में मैंने कर लिया है एंटर, और पीछे का सारा कुछ छूट गया। इतना सुंदर सारा कुछ वहां पर जब मैं जाके, और आई वॉज सो मच लकी कि मुझे बिल्कुल सीट मिली स्टेयर्स के बिल्कुल सामने, और यहाँ से स्टेयर्स के सामने, और वहां से गुरुजी का जो गुरुजी की गद्दी थी जहाँ बैठना था गुरुजी को, वो भी बिल्कुल सामने। तो सारे ऐसे लोग बैठे, बहुत अच्छे शब्द भजन चल रहे थे, बड़ा अच्छा, एकदम से ऐसे लगा लाइक पूरी कोई टेंशन उतर गई, और बड़ा ही अच्छा लगा कि हम लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरुजी ने स्टेयर से आना शुरू किया, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, सब ऐसे ही बैठे थे। और संगत जी इतनी इतनी ब्लेसिंग्स, और इतना अपने आप को मैं ब्लेस्ड समझ रही थी, जब मैंने गुरुजी को देखा सबसे पहले गुरुजी के लोटस फीट जो मुझे दिखाई दिए, सीढ़ियों से गुरुजी आ रहे थे नीचे, और मैंने गुरुजी को देखा, और गुरुजी ने लाइट पिंक कलर का चोला पहना हुआ था उस टाइम, गुरुजी ऐसे नीचे आए, और मतलब मैं तो ऐसे थी कि गुरुजी ऐसे भी होते हैं। इतना डिजाइनर चोला, इतनी डिजाइनर उन्होंने पंजाबी जुत्ती पहनी हुई, और मतलब आई वॉज सो मच हैप्पी कि इतने सुंदर गुरुजी होते हैं। गुरुजी आए नीचे और एकदम से ऐसे मेरे पास से ऐसे गुरुजी गए, इतनी फ्रेग्रेंस, और गुरुजी वहां पर बैठे। मेरी संगत जी मेरी उस टाइम पर ऐसी हालत थी कि मेरा अंदर से मन कर रहा था कि मैं जोर जोर से रोऊं। किस लिए, जब हम उस दिन वहां से वापस भी जा रहे थे घर, तो मुझे अंदर से मन कर रहा था रोने का कि मैं इतने दिनों से ये लोग मुझे बोल रहे थे जाने के लिए, और मैं क्यों नहीं गई वहां पे। गुरुजी के दर्शन पाकर
कितने ही दिनों तक मुझे वो फ्रेग्रेंस मेरे पास से ही नहीं गई। और पहले वो लोग मुझे बोलते थे कि चलो सुनैना मैम गुरुजी के मंदिर चलो, और उसके बाद मेरा होता था मन कि अब मैं पूछू गौरी से कि अब नेक्स्ट गुरुजी के मंदिर कब जाना। इतना इतना अच्छा सिस्टम वहां पर, गुरुजी ने हर भेदभाव मिटाकर वहां पर ये कर रखा था कि जो जहां बैठा है वो किसी को जानता है या नहीं जानता है, वो लेडी है वो जेंट्स है, को मेल है फीमेल है बच्चा है, जो जहां बैठा है वहीं पर ही वो लंगर के टाइम पे एक दूसरे के सामने फेस करेगा और एक ही उसमें से लंगर करेगा। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आज तक ये लगती है कि सामने गुरुजी बैठे हैं और हम लोग लंगर प्रसाद खा रहे हैं। अब आप ये सोचो कि वो कितना ब्लेस्ड खाना होगा, वो खाना क्या प्रसाद प्रसाद से भी बढ़कर कुछ होगा कि हमने उस टाइम पे वो अमृत ही खाया और पिया कि गुरुजी बैठे हैं और हम लोग लंगर प्रसाद खा रहे थे। लेकिन ऐसे सांसे ऐसे रहती थी कि गुरुजी के फेस की तरफ तो देखा ही नहीं जाता था, इतना तेज गुरुजी में। बट दैट डे वॉज द बेस्ट डे इन माई लाइफ। आज तक मैं उस दिन को भूल नहीं सकी जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को देखा। और मुझे इतना बड़ा इतनी बड़ी अपनी मिस्टेक लगती थी कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं आई। पर संगत जी हर एक चीज का एक टाइम होता है, तो गुरुजी ने जब वो टाइम मेरा लिखा था अपने दर्शन देने का तो उस टाइम पे मैं वहां पर पहुंची, बहुत ब्लेसिंग्स मिली। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर स्टार्ट, बस मन उधर ही लगा रहता था कि कब फिर से चले कब फिर से चले। फिर उसके बाद संगत जी वहां पर बैसाखी का फंक्शन था बड़े मंदिर में, तब मंदिर का पिछला सारा कुछ बना हुआ था, आगे का गार्डन वगैरह अभी रेडी हो रहा था, तो वहां पर वो फंक्शन अटेंड किया। ऑन दैट डे गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे, ऑरेंज और रेड कलर का चोला उन्होंने पहना हुआ था। मतलब जब से गुरुजी से मैं मिली मुझे ऐसे लगने लग गया था कि लाइफ तो अब स्टार्ट हुई है। इसको कहते हैं जिंदगी, कि उससे पहले का तो सब ऐसे ही समझो कि बेकार ही सब चल रहा था। उस टाइम पर संगत जी मेरी जो शादी है वहां पर दिल्ली में ही किसी लड़के से, अभी एंगेजमेंट नहीं हुई थी, जस्ट ऐसे ही अभी बात हुई थी, लाइक जैसे एक डिब्बा दे के लेके पक्का करते हैं रिश्ता, तो ऐसे था। लेकिन उस रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत सारे ऐसी बातें थी कि उस साइड से मैं बहुत ज्यादा परेशान ही रहती थी कि मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि पता नहीं ये फ्यूचर में ये जाके रिलेशनशिप क्या देगा क्या नहीं देगा। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास गई एम्पायर स्टेट, लेकिन मैंने कुछ नहीं हुई गुरुजी से। मैंने संगत जी आज तक कभी गुरुजी से अपने मुंह से बोल के कुछ भी मांगा नहीं, ये कि हाँ गुरुजी मैं इस चीज से परेशान हूँ आप मुझे इसका कोई सोल्यूशन बता दो या कुछ है। मैं सिर्फ परेशान रहती हूँ, आंखों में आंसू होते हैं, मैं गुरुजी को बोल देती थी तब भी कि गुरुजी आपको पता ही है। और उस दिन भी मैं बहुत परेशान थी, मैं गुरुजी के मंदिर गई एम्पायर स्टेट, मैंने बस मैं वहां पे बैठी, मैंने अपने मन में ही मैं गुरुजी आपको तो आपको तो सब कुछ पता है। उसके बाद फिर जब दोबारा से अंपायर स्टेट गई तो मैं अपने मन में सोचती रहती थी हमेशा, जब भी जाती थी सोचती थी कि यहाँ पर सारे लोग सेवा करते हैं, सब लोग गुरुजी से बात करते हैं, गुरुजी सबकी तरफ देखते हैं, पर गुरुजी मेरी तरफ नहीं देखते। और पता नहीं मैं अभी नहीं हूं इसलिए मुझे कोई जानता नहीं इतना, और मुझे कभी सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं हमेशा संगत जी जब मैं डे वन पे गई थी उसके बाद से जब भी मैं गुरुजी के सामने गई मैंने अपने मन में सिर्फ गुरुजी से मांगा तो सिर्फ एक चीज कि गुरुजी मेरी भी सेवा लगवा दो, कोई चाहे कोई बाथरूम साफ करने की, सफाइयां करने की, जल प्रसाद सर्व करने की, कोई भी चप्पलों जोड़ों के वहां पे कोई भी सेवा मेरी कब लगेगी, गुरुजी मेरी भी सेवा लगवा दो। हमेशा मैं बहुत सारी चीजों से परेशान रहती थी लाइफ में, लेकिन मैं गुरुजी से मांगती नहीं थी, बस यही मांगती थी कि गुरुजी मेरी कोई सेवा लगवा दो। जब बड़े मंदिर में भी फर्स्ट फंक्शन अटेंड किया तो उस दिन भी मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आज ये फंक्शन है बैसाखी है, मुझे इसी का ही कोई
दे दो आज गिफ्ट के उसमें मुझे कोई सेवा ही लगवा दो। तो एक दिन संगत जी मैं वहां पे बैठी गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट में, उस दिन मुझे बिल्कुल इधर सीढ़ियों के पास नहीं, बिल्कुल गुरु जी के गद्दी के बिल्कुल सामने बैठने के लिए सीट मिली। और सेम मेरे अंदर चल रहा था, आंखें मैंने बंद की हुई कि गुरु जी सबको देखते हैं, सबसे बात करते हैं, पर मेरे से कभी बात नहीं करते, मेरी तरफ नहीं देखते गुरु जी। और फिर वही बस की सेवा, सेवा की सेवा चाहिए। संगत जी मैंने 5-7 मिनट बाद आईज ओपन करी। मैं कभी वैसे गुरु जी की तरफ पूरा देख ही नहीं पाती थी, उनके चरणों की तरफ ही देखती रहती। और संगत जी मैंने आंखें खोली, मैंने गुरु जी की तरफ देखा और गुरु जी मुझे ही देख रहे, और लेकिन मेरी ऐसी हालत, वो 2 सेकंड में गुरु जी को मैंने देखा, गुरु जी से मेरा आई कांटेक्ट हुआ, गुरु जी मुझे देख रहे हैं और मेरे पसीने छूट गए। अभी भी बताते हुए ऐसे मुझे हमेशा ऐसे फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि गुरु जी मुझे देख रहे हैं। मेरे अंदर इतना डर, इतना मीन्स आई वॉज शिवरिंग कि गुरु जी मुझे देख रहे हैं। और पता नहीं अब वो खुशी का था या डर का था या क्या था, पर मैं दोबारा से अपनी आंखें ऊपर नहीं कर पाई। आई डोंट नो कि गुरु जी ने कितनी देर मेरी तरफ देखा या क्या था, पर आई वॉज सो मच हैप्पी कि गुरु जी सच्ची मन की बातें जानते हैं और गुरु जी मुझे देख रहे हैं। अभी अभी मैं मन में कह रही थी और गुरु जी मुझे देख रहे थे। फिर मैं बस रास्ते में भी जाते जाते यही अपने मन में कहती रही कि गुरु जी आज आपने जैसे मेरी इच्छा पूरी की है, जल्दी से मुझे कोई सेवा भी देकर मेरी ये भी इच्छा पूरी कर दो आप, कि मेरा बहुत मन है आपकी कोई सेवा मंदिर में कहीं पे करने का। तो उसके बाद संगत जी फिर हम लोग वहां पर गए गुरु जी के मंदिर में, बड़े मंदिर में। वहां पर देखो आप मेरे जो वहां पर जब गुरु जी अंदर बैठे, सारे जनों ने मत्था टेका, भजन चल रहे थे। उसके बाद जब गुरु जी फिर अपनी कुटिया में चले गए थोड़ी देर के लिए, तो सब लोगों को वो प्रसाद वगैरह वहां पे मिल रहा था। तो बड़े मंदिर का जो मेन हॉल है उसके बाहर वाली जो है जगह, वहां पर हम लोग बैठे थे। वहां पर मेरे सामने एक लेडी बैठी हुई थी और वो मैं उनको नहीं जानती थी। वो मुझे देख के उन्होंने स्माइल करी, तो मेरी तो वैसे ही हैबिट है स्माइल करते रहने की हमेशा से, तो उन्होंने स्माइल करी, मैंने भी स्माइल कर दी। तो थोड़ी देर में वो खुद ही उठ के आके मेरे पास बैठ गई। तो उन्होंने मुझे पूछा आप कब से आ रहे हो गुरुजी के पास, तो मैंने बताया कि मैं तो अभी स्टार्ट किया है। तो और मुझे उस दिन भी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी, उस दिन भी मैं बहुत खुश हुई। किस लिए कि शी वॉज द डिजाइनर, जो गुरुजी के चोला उस टाइम पे वो डिजाइन कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं गुरुजी के चोला जो है, जितने चोलाज हैं वो सारे मैं डिजाइन करती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आप डिजाइन करते हो, आप तो बड़े ब्लेस्ड हो। कहते हैं हाँ सारे लोग ही बहुत ब्लेस्ड है जो गुरुजी के पास आते हैं, तो मुझे ये सेवा मिली हुई है। तो मैं इस चीज से भी बड़ी खुश हुई कि वाह आज संगत में सबीना दीदी की फैमिली को छोड़कर अगर कोई मेरी फ्रेंड बनी और फैमिली संगत का जो मेंबर है वो मेरा नॉन हुआ, तो वो हुआ कि जो गुरुजी के चोले डिजाइन करता है। तो बड़ी खुश थी मैं उस दिन भी। उसके बाद संगत जी मुझे अपने फिर उधर से जो जहाँ पर मेरी शादी पक्की हुई हुई थी उधर से बहुत सारी परेशानियां मिल रही थी। फिर मैं एक दिन अपायर स्टेट गुरु जी के मंदिर गई। मैंने बस अपने मन में ये बोला कि गुरु जी आप देख लो कि जो भी आपको ठीक लगता है कि ये रिश्ता ठीक है या नहीं ठीक है, तो बस लेकिन मेरी सेवा जरूर लगवा दो। एंड संगत जी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं जब घर पहुंची तो मुझे पता चला कि मम्मी पापा ने उधर से शादी के लिए मना कर दिया है और अब उधर कोई लेना देना नहीं है। मैं इतनी खुश, मैंने उसी टाइम जाकर अंदर गुरुजी के स्वरूप के आगे शुक्राना किया कि गुरुजी आपने ये किया करवाया है, आपने ये किया है तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा, आपने मेरी इतनी जल्दी से सुन ली, अब बस आप मेरी सेवा भी लगवा। उसके बाद संगत जी जब ये सब बातें हुई उसके बाद 1-1.5 महीने के अंदर ही सडनली मुझे दिल्ली से लुधियाने आना पड़ा। मेरे बड़े यंग मौसा जी की डेथ हो गई थी उन वहां पर। वहां पर मैं आई तो वहां पर हमें
मेरी एक मम्मा की फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि आपकी लड़की के लिए कोई रिश्ता है मेरे पास। तो मम्मी ने बोला कि अभी तो आप माहौल देखो, यहाँ पे इतनी यंग एज की डेथ हुई है, तो अभी ये बातें करना ठीक नहीं है। तो मेरे मासी जी की एक्चुअली कोई भी बेटी नहीं थी, तो मम्मा ने बोला कि आप थोड़े दिन इधर ही मासी के पास ही रहो। तो आफ्टर दैट आई थिंक आफ्टर 10-12 days वो फिर से लेडी आई, फिर से मम्मा को कहती, मेरे मासी जी को ही कहती जिनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है जलंधर में, तो आप लोग देख लो आपकी बेटी के लिए ना। तो एक्चुअली मेरे छोटे भाई बहनों की शादियां पहले से हो गई हुई थी, मैंने सोचा हुआ था वैसे मेरे मुझे शादी करनी ही नहीं है, कि अब मैं गुरु जी के उसमें ही रहूंगी तो मुझे शादी नहीं करनी। फिर संगत जी उस टाइम पे बड़ा ऐसा एटमोसफेयर था मासी जी के घर पे, तो सब लोग बोलने लगे कि नहीं एक बारी जाके देखो देखो। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करना तो मना ही है, जलंधर घूम के आ जाएंगे। तो हम लोग आए इधर, यहाँ पर आए तो संगत जी मम्मी से फर्स्ट टाइम मैं मिली, रमा मम्मा से। तो राजेश भी बहुत अच्छे हैं, बट राजेश से ज्यादा मुझे मम्मी पसंद आए, पर मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था, बिकॉज राजेश इज 10 years एल्डर देन मी। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, ये एज गैप बहुत ज्यादा है, तो नहीं। इवन राजेश भी कहते कि मुझे सुनैना बहुत पसंद है, पर एज गैप बहुत ज्यादा है। तो मम्मी ने, रमा मम्मा ने मेरे से पूछा कि आप बताओ, पहले उन्होंने मेरा पूरा 1 घंटा इंट्रोडक्शन, पूरा इंटरव्यू टाइप पूरा लिया। तो मम्मी कहते हैं आज तक हमने इतनी सारी लड़कियां देखी, लेकिन मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स किसी से नहीं मिली जितनी सुनैना से मिली है। तो आप, मेरे पेरेंट्स को कहते कि आप लोग देख लो कि इतना तो मैटर नहीं करता है, इतना एज गैप, तो खुश रहना चाहिए इनको बस। तो मेरे से पूछा, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि देखो मुझे तो कोई इतनी परेशानी नहीं लग रही है, इतना एज गैप देखने में नहीं लग रहा है, वैसे है ठीक है कोई बात नहीं, बट मुझे फैमिली बहुत अच्छी लगी। पता नहीं संगत जी, मैं कभी भी, इतने मेरे आउट ऑफ इंडिया से भी रिश्ते आते थे, मैं कभी भी हाँ नहीं करती थी, देखती ही नहीं थी लड़के को। तो यहाँ पर मैंने एकदम से, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि हाँ, यहाँ इन लोगों के साथ में रहना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरी तरफ से तो यस है, आप लोग देखो। फिर मेरे मासी जी भी कहने लगे मेरे पेरेंट्स को कि वो तो आगे नहीं शादी करने को हाँ करती, अब उसने हाँ करी है तो देख लो कि अगर फैमिली अच्छी है तो। फिर इधर से रमा मम्मी ने सेम डे रात को फोन करा 2-3 बार कि मेरा बेटा भी यस कर रहा है, तो उसने, आना ने भी यस करी है, तो आप देख लो शायद ये भगवान की तरफ से कुछ होगा। कुछ भी करके संगत जी, रमा मम्मी ने 2 दिन में मेरे पेरेंट्स को मना के हमारी शादी यहाँ जलंधर में करवा दी। लेकिन तब तक हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हम एक ही गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी, मेरी शादी के 2 दिन बाद इन द इवनिंग मम्मी कहते हैं कि सुनैना मुझे किसी काम से जाना है, तो मैं अभी 1-1.5 घंटे में आता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड वेन शी वॉज गोइंग, तो शी वॉज टोटली ओके, बट वेन शी केम बैक तो उनकी आईज इतनी स्वेल्ड हुई हुई, लाइक कि वो बहुत रो के आई। और 2007 में वैसे भी गुरुजी ने चोला भी छोड़ा था, तो उधर से भी हम लोग बहुत परेशान थे सब। तो मम्मी आए वापस, तो मैंने उनको देखा, तो मैंने बड़ा डरते डरते पूछा कि आंटी क्या हुआ, सब ठीक है? आप जब गए थे तब तो आप ठीक थे, अभी आप इतना रो के आए हो, आपकी आईज ऐसी हुई हुई है। तो मम्मी ने दोबारा से रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या? तो कहते सुनैना बेटा, हमारे ना गुरुजी हैं, उनका मंदिर है यहाँ पे जलंधर में, पास में ही है। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते आप एक बारी मत्था टेकने चलो, और उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप जाओगे या नहीं जाओगे। अब मैं अपने मन में सोचूं कि मैं मत्था तो टेकने चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, कि रिस्पेक्ट तो सबकी करनी चाहिए, लेकिन मानना, अब मानने की बात आ गई तो मैं तो अपने गुरुजी को ही मानती हूँ, तो मैं क्या करूँ गुरुजी? मैं अपने मन में कहूँ गुरुजी अब बचाओ इस चीज से, कि मैं तो किसी और गुरु को मान नहीं सकती। मेरे तो पापा ने भी दिल्ली शादी से पहले मेरे को बहुत बार बोला कि अपने जो महाराज जी हैं आपने उनको छोड़ दिया मानना, इतने साल हो गए आप गुरुजी के मान रहे हो, तो मैं तो उधर से भी छोड़ दिया, तो अब ये तो नया पंगा हो गया, अब क्या करूं?
फिर भी मैंने, मम्मी रो रहे थे तो मैंने बोला, मैंने कहा इट्स ओके, आप रो मत, हम चलेंगे मत्था टेकने, कोई बात नहीं। तो कहते अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा कैसे होते आपके गुरुजी, क्योंकि जब उन्होंने गुरुजी बोला थोड़ा मुझे उस टाइम पर भी लगा, मैंने कहा अच्छा कैसे हैं आपके गुरुजी, प्रीच करते हैं? कहते नहीं हमारे गुरुजी प्रीच नहीं करते। मैंने कहा अच्छा। फिर वो कहते हैं, मम्मी कहते उनका ना बड़ा मंदिर है दिल्ली में। मैंने कहा है बड़ा मंदिर? मैंने दिल मन में सोचू, मैंने कहा दिल्ली में तो एक ही बड़ा मंदिर है। तो मैंने मम्मी से बताया, मैंने कहा वो गुरुजी देखने में ऐसे ऐसे। कहते हैं हाँ सुने ना। मैंने कहा उन्होंने अभी चोला छोड़ा है? हाँ मम्मी। कहते हाँ। मैंने कहा अच्छा। कहते आपको कैसे पता है? मैंने कहा मैं तो उनकी संगत से ही हूँ, मैं तो बहुत साल हो गए गुरुजी को के पास जाते हुए। कहते आपने देखा गुरुजी को? मैंने कहा हाँ बहुत बारी देखा है, मिली भी हूँ, एम्पायर स्टेट में जाती थी गुरुजी के मंदिर। मम्मी तो इतने खुश, संगत जी उन्होंने तो नाचना शुरू कर दिया। कहते अभी चलो अभी गुरुजी के मंदिर। तो रजेश ने बोला कि अभी तो मंदिर बंद हो गया होगा। मम्मी कहते कोई बात नहीं, मैं सुदामा जी से बोल के 2 मिनट मत्था टिकवा दूंगी, अभी चलो। तो मैंने कहा अच्छा मैं चेंज कराती हूँ। कहते नहीं आप इसी में ही चलो, नाइट सूट में ही चलो। हमें संगत जी वो ऐसे ही मंदिर ले गए, और गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग कि दिल्ली से ही कोई बस में संगत आई थी जो लेट पहुंची थी, तो पूरा मंदिर खुला हुआ, दिल्ली की संगत बैठी, चाय प्रसाद पी रहे थे सारे जने। तो मम्मी ने जाकर वहां पर खूब नाच नाच के खुशी से बताया कि मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी संगत में हो। तो और गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि लड़की मैं भेजूंगा, और देखो आज हमें पता चला है शादी के तीसरे दिन कि ये लड़की दिल्ली की संगत की है गुरुजी के। सब इतने खुश हुए, संगत जी जलंधर की भी संगत इतनी अच्छी है, सब लोग इतने अच्छे हैं। जलंधर संगत से भी मुझे इतना प्यार मिला है आज तक कि पूछो मत। जब मम्मी थे तब भी, मम्मी के जाने के बाद भी, आज तक सारी संगत के लोग बहुत प्यार करते हैं। और उस टाइम पर तो महाजन अंकल एक हैं, वो बोलते होते थे, उन्होंने मेरा नाम डाला था कि ये हमारे गुरुजी का प्रसाद है, गुरुजी ने इसको 2 दिन में दिल्ली से यहाँ पर भेज दिया हमारे, हमसे सबसे जुड़ने के लिए। बस लेकिन संगत जी मन में हमेशा एक ही बात रहती थी, वही जो दिल्ली रहती थी, वही जलंधर में आके कि मेरी भी सेवा लगे। बल्कि यहाँ आके वो जो सेवा की प्यास थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि वैसे तो मैं बड़ी खुश थी क्योंकि दिल्ली में तो बहुत दूर पड़ता था, तो कभी कभी जाना होता था। तो यहाँ पर तो मैं इतनी खुश थी, हमारे बिल्कुल घर के पास में गुरुजी का मंदिर है। मतलब हम लोग वैसे भी अगर मार्केट वार्केट किसी काम से जाते हैं तो रास्ते में मत्था टेकने को मिलता ही मिलता है कि गुरुजी का मंदिर है। तो मैं यहाँ पर तो मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ पर तो मैं चाहे सारे दिन, जितने गुरुजी के मंदिर के दिन है सारे दिन जा सकती हूँ। लेकिन मन में वही था कि सेवा कब मिले, सेवा कब मिले। तो एक दिन दिल्ली से ही कोई संगत आई हुई थी, दिल्ली से आई हुई थी संगत, और गुरुजी का जहाँ मेडिकल कॉलेज है बद्दी में, वहां से डॉक्टर लोग आए हुए थे। तो वहां पर मम्मी ने फिर अपना सत्संग एक सुनाया कि बैसाखी का दिल्ली में, हमारी शादी से पहले बैसाखी का फंक्शन था दिल्ली में। संगत जी उस फंक्शन में हम लोग सारे जने थे, मैं भी, मेरी एल्डर सिस्टर वहां पर थी बड़े मंदिर में, इधर से मम्मी, राजेश, मेरे हस्बैंड और मेरे सिस्टर इन लॉ थे, ये लोग भी वहां पर गए हुए थे। तो मम्मी कहते कि मेरे को जब फंक्शन खत्म हो गया तो उसके बाद मुझे गुरुजी ने बोला कि रमान जी अभी आप रुकना, अभी जाना मत, तो मेरे से मिलके जाना। तो मम्मी कहते फिर उसके बाद गुरुजी जब अपना चेंज करके आए तो गुरुजी ने मेरे से पूछा कि मुन्ने के लिए लड़की देखी कोई? तो मम्मी कहते मैंने कहा मैं चुप रही कि गुरुजी को पता ही है। तो गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं मुन्ने के लिए लड़की खुद भेजूंगा वहां पर। तो मम्मी कहते आज तक कोई भी लड़की हमारे, मतलब हमने इतनी सारी लड़कियां देखी थी मुन्ने के लिए, लेकिन कोई भी लड़की हमारे घर तक नहीं आई, और सुनैना ही फर्स्ट थी जो हमारे घर तक आई। संगत जी जब 2 दिन में मम्मा ने शादी का करवा दिया, नेक्स्ट डे इन्होंने एंगेजमेंट वगैरह सब करवाई, तो मेरे कजन ब्रदर ने बोला कि आपने दीदी कोई घर नहीं, मासी हरों ने कोई घर नहीं देखा, उनका कोई ऑफिस नहीं, आज एंगेजमेंट कर दिया और कल के लिए आंटी शादी का भी कह रही है, तो घर तो देख लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने मम्मी से बोला कि आंटी हम आपका घर देख सकते हैं? तो मम्मी ने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो पास में ही है देख लो। तो हम लोग यहाँ पर आए घर पे, तो मेरे पापा ने बोला कि
आप बाहर गाड़ी में ही बैठो, कि शादी से पहले घर के अंदर नहीं जाते हैं, तो हम लोग अंदर से होके आते हैं। संगत जी, उसके बाद जब मम्मी पापा सब बाहर आए, तो मम्मी इधर से राजेश अपने सिस्टर को, इनकी एल्डर सिस्टर, इनसे 7-8 ईयर्स एल्डर थी, टीना जयंती बहल उनका नाम था, एंड शी वॉज टोटली मेंटली रिटायर्ड। वो अपने फादर से बहुत ज्यादा अटैच थी, एंड आफ्टर हिज डेथ वो बहुत ज्यादा, उनको उन्होंने डिप्रेशन कर लिया, उसके बाद उनको सिजोफेनिया की प्रॉब्लम हो गई थी। और जब उनको लेके आए, वो सोए हुए होंगे, उनको उठा के लेके आए साथ में बाहर मेरे से मिलने के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने उनको जब देखा तो थोड़ा सा मुझे डर तो लगा, क्योंकि थोड़ा उनकी ऐसी कंडीशन ऐसी थी। बट जब मैंने उनको हैंडशेक करने के लिए हेलो बोला, टीना दी, उन्होंने बताया मम्मी ने कि इसका नाम टीना है, तो मैंने बोला कि हेलो टीना दीदी, तो बड़ी खुश हुई कि मुझे टीना दीदी बुलाया है। और मैंने अपना हाथ आगे किया और उन्होंने मेरे को इतनी जोर से, इतनी कस के हग कर लिया। तो मतलब वो जब मुझे उन्होंने हग किया उस टाइम पर भी, संगत जी, मुझे इतना मेरे मन को शांति मिली कि जैसे कोई मेरा खोया हुआ था और आज वो मुझसे मिल गया हो ऐसे। और वो भी इतनी ज्यादा खुश थी, पहले मम्मी और राजेश डर गए जब उन्होंने मुझे हग किया। तो राजेश ने बोला कि टिनी हट जा, तो मैंने उनको मना कर दिया कि कोई बात नहीं। तो बड़ी खुश, पूरा टाइम मेरा हाथ पकड़ के खड़े रहे। जब मैं वहां से भी हम लोग वापस आ रहे थे, तो मेरे मम्मा ने पूछा कि क्या हुआ, तू एकदम से चुप हो गई, डर गई उनको देख के? मैंने कहा नहीं, डर नहीं गई मम्मा, मुझे ऐसे लगा, मुझे रोने का मन कर रहा है जोर जोर से, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे से बिछड़ा हुआ था बहुत टाइम से, वो आज मुझे मिल गया। तो कि मम्मी कहते वो भी बड़ी खुश थी मिलके तेरे से। फिर रमा मम्मी ने फोन पे भी बताया, वहां पर भी संगत को बताते हुए, संग करते हुए बताया कि पहले भी कोई लड़की से शादी फिक्स करी थी, लेकिन उसने बहुत बैड वर्ड्स यूज करे होंगे टीना दीदी के लिए, तो मम्मी कहते हमने छोड़ दिया था वो। तो कि टीना दीदी भी बहुत खुश थे मेरे से मिलके। मेन मेन जो सत्संग है संगत जी, वो ये है कि हमेशा जब से मैंने गुरुजी को देखा, मैं गुरुजी से सेवा 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 मांगती थी। वो मुझे यहाँ पर आकर शादी के बाद समझ में आया कि असली सेवा तो यहाँ पर वेट कर रही थी मेरी। गुरुजी ने असली सेवा मेरी यहाँ पर लगानी थी, मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट थी। और उनके साथ उनको एक सहारा, उनको एक अपना, एक अपनी एज ग्रुप का कोई इंसान चाहिए था। जब उनको मैंने शादी के 1 मंथ में ही पहचान लिया था कि इनको, शी वॉज जस्ट लाइक अ किड, और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, कि उनको खाना जो है अच्छे से प्रेजेंट करके, अच्छी ट्रे, अच्छे बर्तन यूज करके दो, तो वो बड़े मजे से खा लेते थे। अगर हाँ, स्टील के बर्तन में ऐसे ही आपने दे दिया, तो वो पूरा दिन भूखे रहते थे लेकिन खाते नहीं। तो उनके साथ में इतनी, इतना ज्यादा था प्यार मोहब्बत, कि मम्मी के जाने के बाद भी वो 4-5 ईयर्स हमारे साथ में, 5-6 ईयर्स हमारे साथ में रही, बड़े अच्छे से, बड़ी खुशी से। और मम्मी ने सबको ये सत्संग सुनाया उस टाइम पर। उसके बाद कि ये बताया कि मेरी बेटी इतनी खुश है अभी से ही सुनैना के साथ में। संगत जी, 2 महीने 3 महीने के बाद मेरे जो सिस्टर इन लॉ थे, वो इतना ज्यादा उनका डिसीज जो है कम होना शुरू हो गया, कि वो मेरे साथ वॉक करने जाते थे, वो मेरे साथ मेरी फ्रेंड के घर, मेरी एक दो फ्रेंड्स बनी यहाँ पे, उनके घर पे कीर्तन वगैरह पे भी गए, पिक्चर देखने भी हमारे साथ चले जाते थे। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं हमेशा गुरुजी से मांगती रहती थी सेवा सेवा सेवा, तो गुरुजी ने मेरी असली सेवा यहाँ पर रखी हुई थी। फिर उसके बाद उनकी सेवा के साथ साथ गुरुजी ने मुझे, बस फिर जैसे मैं सेवा सेवा मांगती थी, अब गुरुजी मुझे सेवा ही सेवा दे रहे थे। मंदिर में तो मुझे सेवा मिली, 2-3 बार जल प्रसाद की सेवा मिली, और फिर दिवाली पर रंगोली बनाने की मेरी सेवा लगा दी उन्होंने। बहुत सारी दिवाली आई जिसपे मैंने गुरुजी के मंदिर में रंगोली बनाई, दियो की डेकोरेशन की सेवा मुझे मिलती थी। लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो संगत में से थी, संगत जी, वो मुझे गुरुजी ने दी है, और मैं उस चीज के लिए इतना शुक्राना गुरुजी का करती हूँ। आप देखो,
फर्स्ट जो संगत को मैंने लंगर प्रसाद बना के खिलाया, फर्स्ट जो मैंने संगत की सेवा करी वो थे सदा मासूम ठाकुर अंकल आंटी। इतनी पुरानी इतनी ब्लेस्ड संगत से मेरी सेवा गुरुजी ने स्टार्ट करी। वो भी कब, शादी के बाद फर्स्ट मेरा बर्थडे था, उससे एक दिन पहले सदा मासूम ठाकुर अंकल आंटी यहाँ पर आए जलंधर मंदिर में, और मम्मी से भी वो फर्स्ट टाइम ही मिले उस टाइम। और उन्होंने नेक्स्ट डे जाना था डुगरी, तो मम्मी तो जाते ही थे एवरी संडे ऑफ द मंथ ना, तो मम्मी ने उनसे बात करी तो वो लोग कहते हम लोग होटल में रुके हैं, तो मम्मी ने बोला नहीं आपने होटल में स्टे नहीं करना, आप मेरे घर चलो, वो गुरुजी का ही घर है और सुबह आप मेरे साथ चलना डुगरी। तो वो लोग भी मान गए, वो आए इधर शाम के टाइम मंदिर के बाद, तो उनको मैंने डिनर लंगर प्रसाद बना के दिया, फिर सुबह ब्रेकफास्ट करवाया, फिर उनको पता चला कि मेरा बर्थडे है, तो उनकी उस टाइम पे नई कोई सीडी आ रही थी उसमें से उन्होंने भजन सुनाए, फिर मेरे बर्थडे के लिए इतने अच्छे दो तीन सॉन्ग सुनाए। तो मतलब आई वॉज सो मच हैप्पी कि गुरुजी मैं इतनी अच्छी हूँ, आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का सोचा हुआ था, इतनी पुरानी संगत में जिंदगी भर के लिए मेरे को आपने जोड़ दिया, इतनी अच्छी फैमिली से मिलवा दिया, उस फैमिली को मेरी फैमिली बनाया, मेरी सेवा कितने ब्लेस्ड डिवोटीज हैं जो आपके उनसे स्टार्ट करवाई, तो बहुत खुश थी, मैंने उनको भी शुक्राना करा। तो उसके बाद तो संगत जी मेरी सेवा संगत में भी स्टार्ट हो गई। उसके 2 दिन बाद कोई संगत पूरी बस भर के दिल्ली से आई, वो हमारे घर पर आए और मैंने सबके लिए लंगर प्रसाद अकेले बनाया, और मम्मी भी इतने सरप्राइज थे, जबकि मेरे पास घर में बर्तन नहीं थे, मैंने जो जिसमें हम व्हीट फ्लोर जो आटा स्टोर करके रखते हैं 10 kg का वो था, उसको खाली कर करके उसमें मैंने खाना बनाया। फिर उसके बाद फिर एक संगत आई आउट ऑफ इंडिया से, तो मम्मी ने बोला कि कुछ स्पेशल बनाए, तो मैंने कहा आप इतने पुराने गुरुजी से जुड़े हो तो आप बताओ गुरुजी को खाने में सब्जी में क्या पसंद था, तो मम्मी ने बताया कि गुरुजी को आलू और पकौड़ों की सब्जी बड़ी पसंद थी, तो फिर मैंने उस दिन वो बनाया लंगर में। बस संगत जी उस दिन से मेरे गुरुजी की सेवा मेरी लगा दी गुरुजी ने। फिर तो हमारे घर में हर दूसरे दिन इतनी संगत आती थी, हमारे कॉलोनी वाले भी कहते थे कि ये कैसी सास बहू है, ये बिल्कुल लड़ती नहीं है इनका कोई, ये सहेलियों की तरह रहती हैं, और किसी और हमारी बहू हो तो एक से दूसरा गेस्ट आता है तो वो मुंह बनाने लग जाती हैं, और इनकी बहू देखो इतनी इतनी बस भर भर के आती है और वो अकेले खाने बनाती रहती है, तो दिल्ली की लड़की है टीचिंग लाइन में थी फिर भी कैसे देखो सारा करती है। तो गुरुजी ने इतनी इतनी मुझे शक्ति दी कि मैं कभी भी आज तक लंगर जो है हमारा कभी भी कम नहीं पड़ा, बल्कि बच ही जाता था लेकिन कम नहीं पड़ता था। और संगत जी हमें इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली, हमारे घर में हमें गुरुजी ने इतनी बार दर्शन दिए। संगत जी ये जो मेरे ये गुरुजी का जो स्वरूप है, ये मम्मी के एक बारी मन में आया कोई, उस दिन भी बहुत सारी संगत आने वाली थी, तो मम्मी ने बोला कि सुनैना 5-6 दिन बाद ना संगत ने आना है, तो दिल्ली की भी संगत है, सारे क्या करते हैं कि संगत को ना कोई पेन देते हैं गुरुजी के स्वरूप वाला, और कोई की रिंग्स बनवाते हैं, कोई कुछ बनवाता है, कोई पेंडेंट्स बनवाते हैं, तो मेरा भी मन है कि हम भी संगत को कुछ दें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कहते आप बताओ क्या दिया जाए, मैंने कहा सारे लोग पेंडेंट पे स्वरूप लगवाते हैं, आप गुरुजी के स्वरूप से दे दो लोगों को, इतनी पुरानी पुरानी इतनी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स है गुरुजी की आपके पास। तो मम्मी कहते हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, तो मम्मी कहते फिर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आप सबके फ्रेम्स वहां जाके सिलेक्ट कराना। तो संगत जी हमने बहुत सारे गुरुजी के फ्रेम्स बनवाए स्वरूप के, जब वो आए जिस दिन सारी संगत ने आना था, तो मम्मी ने एक फैमिली को एक स्वरूप देना था, तो सबसे पहले मम्मी कहते कि सुनैना आप आओ इधर, मैंने कहा नहीं आप अपने हाथ से दो, तो मैंने सोचा शायद मेरे हाथ से दिलवाना चाहते हैं, कहते नहीं मैं दूंगी तो मैं ही, लेकिन सबसे पहला स्वरूप मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप भी इतनी सेवा करते हो संगत की, यहाँ पे बैठ के लोग जाके मंदिर में करते हैं घंटा 2 घंटे, आप इतना पूरा पूरा दिन खाना बनाते हो, तो मैं सबसे पहला स्वरूप आपको देना चाहती हूँ।
तो मैं कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मम्मा ने मुझे ये सबसे पहला स्वरूप मम्मा ने ही मुझे गिफ्ट किया था।